ए फिर बिहाइंड मी के पहले पार्ट में आपने देखा कि इस तरह से सीनू को अपने छोटे भाई के स्क्रीट से माफी मांगनी होती है, तो वो अनिरुद्ध के कहने पर एक हॉरिफाइंग फेसबुक पेज के चक्कर में आ जाता है, जिस पेज सीनू के मुंह पे कोई रिचुअल्स करके बुरी शक्ति या स्पिरिट से बात किया जा सकता है। फिर उस पेज पे जाकर रिचुअल्स करने के बाद सीनू को ये पता लगता है कि शायद भूत प्रेत बुरी शक्तियों से बात करना मुमकिन ही नहीं। फिर वो उस रिचुअल में यूज होने वाले कॉइन को छुपा देता है, जिस कॉइन की वजह से शायद अब उसकी जिंदगी ही बदलने वाली है। अब आगे मुझे क्यों मारा? हेलो। हाँ बोल। मुझे बात करनी है सीनू से। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी वो हॉस्पिटल में है, मैं अभी घर में हूँ। और सुन, ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। बिकॉज ऑल दिस आर हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ यू, ठीक है? और वैसे भी वो कल शाम को ट्रक के नीचे आते आते बचा है, तो तू उससे दूर रह। आई नो, बट मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के। लेकिन ये सब तो तेरे वजह से ही हो रहा है ना। पर ये सब मेरे वजह से कैसे? तू अपने ये भूतिया किस्से, अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ये सब किसी और को सुना, बट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हिम। पर वो तो ठीक है ना? यस, ही इज हीलिंग वेल। आई कैन बिलीव दिस कि ये सब हो गया है। नहीं मतलब क्या बताओ, उस रिचुअल्स के वजह से ही कोई बुरी शक्ति उसके पीछे पड़ गई हो। आई टोल्ड हिम नॉट टू टॉक टू यू, पर वो तो मानेगा नहीं, है ना? तो तू एक काम कर, तू ही पीछे हट जा, ठीक है? प्लीज, ये बेहतर होगा सबके लिए। आज के बाद मेरा सिनु से बात ना करना ही सही रहेगा। आई नो सिनु हर वो काम करेगा जिससे वो स्पिरिट को देख सके। बस दुआ करता हूँ कि वो कोई गलत कदम ना उठा दे। ये बात हमेशा से सच है कि जब दो दोस्तों के बीच में कोई झगड़े या अनबन होते हैं तो उसकी वजह कोई दुश्मन नहीं, तीसरा दोस्त ही होता है। मैं इस रूम में कैसे? ये कॉइन
इन सारी चीज़ों को बस एक संयोग मात्र समझने वाला सीनू ये नहीं जानता कि कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। और ये कहानी धीरे धीरे उसी मोड़ पर ही बढ़ रही है। यार, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। क्यों, क्या किया तूने? आई गॉट टू नो समथिंग एक्चुअली। व्हाट इज दैट? वो सिद्धार्थ के साथ काम करने वाले जो लोग हैं ना, उसके टीम में, एक्चुअली दे आर द वंस टू क्रिएट द पेज इन नो गेम। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? आर यू सीरियस? इंडीड। पहले वो खुद ही सारे बुरे काम करते हैं और फिर वो खुद ही लोगों को बचाते भी हैं। इवेंचुअली दे मेक मनी आउट ऑफ इट। पर तू क्यों माफी मांग रहा है जब कोई गलती उसकी है? मुझे देर हो गई ये सब पता करते करते, और मेरी वजह से तेरी जान भी जा सकती थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ ये सब, मतलब कैसे? सुन, तू वो सब छोड़, तू एक काम कर, उन सारे सामान को ले जाकर बाहर फेंक दे। बुरी चीज़ों को साथ रखना अच्छा नहीं होता। हाँ ठीक है। और सुन, थैंक्स फॉर दिस अगेन। या टेक केयर। सीनो गेमू कोई ऐसी वैसी पेज नहीं थी, और उस पर होने वाले रिचुअल्स मामूली नहीं थे, क्योंकि उसी में से निकली हुई कोई बुरी शक्ति अभी सीनो पर हावी होना चाहती थी, उस पर काबू पा लेना चाहती थी। सीनो भैया ने मुझे क्यों मारा? ऊपर आओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, आओ ना जल्दी।
हर चीज को नजरअंदाज करने वाले सीनू को अब ये यकीन हो चुका था कि कोई बुरी शक्ति है जो हर पल उसके चारों ओर घूम रही है। हेलो, कौन सीनू है ना? सिद्धार्थ, कैसा है तू? कैसा हूँ? ये बात तू पूछ रहा है? क्यों, क्या हुआ? तो क्या ये थी सच्चाई? उसे सब कुछ पता चल गया। और नानी और नॉम और उस और नॉपर नॉल और शुरू की आँखें मौत